के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ, इस दुकान में काम करता हूँ। और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, ये माधरचोद लोग समझ क्या लिया है, हिंदी वालों को मार देगा इस लोग। तो सब लोग माधरचोद आते हैं, गाली देते हैं, हिंदी वालों के साथ खेलते हैं और हम हिंदी वाले सबको खाना खिलाते हैं और ये लोग मारेगा हम लोगों को। हम गवर्नमेंट से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग हिंदी वाले हैं, कहीं पर काम करते हैं, आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है, समझे? ये था लोग, सबको खाना खिलाए हैं, ठीक है ना सर? हमारे एग्जाम है, मजबूरी में हम इस होटल में काम कर रहे हैं, हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। हिंदी वाला क्या गाली है क्या यहाँ पे? हिंदी वाला को गाली देगा? बताइए, हम सबको कितना अच्छा से आदर सम्मान से खिलाते हैं, हिंदी वाला गाली देगा? बात बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिस जिस के माँ ने दूध पिलाया है पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं कि जो हमको मारना चाहता है, आओ मांग भोजरी वालो, आओ बिहारी को मारो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में चाहिए हिंदुस्तान जमा करे तो मारो, तो मारेगा, आओ जिस जिस के माँ ने दूध पिलाया एक बिहारी से गाली देता है, गाली देता है, गाली देता है, बम गोली तो हमारा पैसा है, आओ जिस चीज को माँ ने दूध पिलाया है हम सकते है, माँ बहन को गलती हम। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुपर स्टाइल पर। आजकल ये जो वीडियो चल रहा है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। एक बिहारी लड़का है जो कर्नाटक में जॉब करता है, ये इतना ज्यादा परेशान क्यों है, इतना ज्यादा भावुक होकर, इतना ज्यादा रोकर अपने वीडियो में क्यों चिल्ला रहा है, क्यों कह रहा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको लोग गाली दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्नाटक में तो कन्नड़ लैंग्वेज है जो बोली जा रही है, वहां पर बिहारी लैंग्वेज के साथ उसको एक अपवाद बनाया जा रहा है। इस बिहारी लड़के को, इस बिहारी लड़के की लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अपवाद बनाया जा रहा है और ये प्रूफ किया जा रहा है कि लड़का जो है किसी लोग सबको खाना खिलाया है, ठीक है ना सर? हमारे एग्जाम है, मजबूरी में हम इस होटल में काम कर रहे हैं, हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। काबिल नहीं है, इसकी जो भाषा है वो गंदी है, ये बिहार से ही गलत है। क्या इस तरीके का जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से सही है? क्या आप मानते हैं कि अगर कोई बिहारी, कोई बिहार का बंदा, कोई बिहार का भाई अगर अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, नौकरी कर रहा है, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वो कुछ एफर्ट्स कर रहा है, तो क्या उसके साथ वहां पर ऐसा बिहेव करना चाहिए? कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे वीडियो जिनमें कन्नड़ भाषा को लेकर देश को अलग बंटवारे की बात की जा रही है, कर्नाटक को एक अलग जगह प्रेजेंट की जा रही है, उसको ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि कर्नाटक एक अलग देश है, कर्नाटक इंडिया से हटके। अगर आप कर्नाटक में किसी से कोई एड्रेस पूछ रहे हैं तो आपका लैंग्वेज आनी चाहिए कर्नाटक, कन्नड़ लैंग्वेज इज मस्ट। इस तरह की वीडियोस जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा आज की युवा पीढ़ी को परेशान कर रही है। ऐसा ही वीडियो एक और, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि कर्नाटक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, कन्नड़ लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया और कर्नाटक अलग है। इस तरीके से अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चीजें प्रेजेंट की जाएंगी तो हमारे देश का जो भविष्य है वो कैसा जाएगा? क्यों हम सब इस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं? ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, हर चीज ही पॉलिटिकल है और हम इन पॉलिटिकल चीजों को मान लेते हैं, हम भी मानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो ये कह रहा है वो सही हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे कर्नाटक के लोग, जो कन्नड़ लैंग्वेज के लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें जो कि इसमें दिखाया जा रहा है, यस कर्नाटक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम इंडियंस ही हैं? क्या कर्नाटक इंडिया से बाहर है? क्यों क्यों हम ऐसे वीडियोस को वायरल कर रहे हैं?
क्यों हम ऐसी लैंग्वेज को एक अलग प्रस्तुति दे रहे हैं? हम क्यों पूरे ऐसे सिनेरियो को अलग से दिखा रहे हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना एक अपवाद पैदा हो रहा है, और ये अपवाद इस तरीके से पैदा हो रहा है कि हमारा काम नहीं हो सकता। दो गुटों के बीच मारपीट हो सकती है, धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बस इस बात पे अड़े पड़े हैं कि अगर आप कर्नाटक आते हैं या आप कर्नाटक में रहते हैं तो यू शुड लर्न कन्नड़ लैंग्वेज। वी डोंट नो हिंदी, वी डोंट नो इंडिया, यू शुड लर्न कन्नड़। ये बिहारी लड़का क्या इसने गलत किया? बिहार से आके यहां पर ये नौकरी कर रहा है? कितने सारे लोग माइग्रेट होकर बिहार से कंट्री में अलग अलग जगह पर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर सोचिए कि अगर आपके स्टेट में कोई अगर ऐसे आ रहा है और उसके साथ ऐसा बिहेव कोई कर रहा है तो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? आप किसी स्टेट में अगर जाते हैं जॉब करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, और वहां आपके साथ ऐसा सलूक करे, आपको एक अलग तरीके से देखे, आपको घृणा की दृष्टि से देखे, घृणा की नजर से देखे, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? आप कैसा अपने आप में फील करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान हमारी पॉलिटिक्स यही कहती है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें जातिवाद में फंसना चाहिए, हमें इस लैंग्वेज के जाल में फंसना चाहिए, हमें स्थानों के हिसाब से बंटवारा करना चाहिए? क्या हमारे देश की संस्कृति हमसे यही कहती है, या देश हमसे सबसे आजाद हुआ है? हमारा देश, हमारे देश ने हमें यही सिखाया है, हमारी राजनीति ने हमें यही सिखाया है। हम हाई स्कूल में पढ़े, इंटर में पढ़े, ग्रेजुएशन की हमने, MBA किया, सब कुछ किया, क्या हमने उन्हें यही पढ़ा? क्या हमारे पॉलिटिशियन हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे ही बन जाए और हम उनका सपोर्ट करें? क्योंकि ये देश 100 भागों में बढ़ जाए। गाइस, मेरे हिसाब से तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से सही है। ये लड़का जो चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, जो सच्चाई बता रहा है, ये बिल्कुल सही है, और उसका दर्द हम समझते हैं, क्योंकि वो उन सब चीजों को फील कर रहा है, उन चीजों को झेल रहा है। कोई भी बंदा तब तक इस तरीके से अपना वीडियो नहीं बनाएगा जब तक कि उसके अंदर से आत्मा रो ना गई। ये लड़का अंदर से रो गया है, ये लड़का अंदर से अपने आप में झेल गया है। इसको ये फील हो रहा है कि मैंने कर्नाटक में आके गलती कर दी, वो अपवाद है कर्नाटक के अंदर, इसको कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। उसको कोई उल्टा सीधा बोल के चला जाता, गाली गलौज करके चला जाता। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है ये हर किसी को परेशान करेगा। तो लास्ट में चलते चलते बस मैं यही कहना चाहूंगा, जाति बात, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, विवाद, अपवाद, इन सब चीजों से दूर रहिए। क्योंकि अगर हम ही ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगे और हम अपनी समझदारी को छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इन सब चीजों के चक्कर में फंस जाएगी और हमारा देश बर्बादी की तरफ फिर से चला जाएगा। कहने के लिए हमारा देश जरूर आजाद होगा, लेकिन यह आजादी किसी को नहीं होगी, हर कोई किसी ना किसी का बंधुआ मजदूर होगा। हमने अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी, पर फिर हम दोबारा से जाति, धर्म और इन सब के गुलाम बन जाएंगे। तो गाइस, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी सहमति क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस बिहारी लड़के के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो गाइस, चलते हैं और फिर आपको एक नई वीडियो के साथ अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। If you are Indians, you can go to other states also. Okay. Hyderabad is there, Chennai is there. That is not India. No, we are Kannadigas. Kannadigas. We are Kannadigas only. You cannot able to speak Kannada? No, it's not about 100 living 100 years or something. It's just like, I do not want to be forced. If you are asking with love and respect. No, sir. With love and respect only we asked you. Put your language on me. What I'm saying. If you will treat me with love and respect, definitely if you are like, you are not able to communicate in Hindi or English or something, I would love Kannada. I don't have any against or hatred against Kannada. I really respect that. I love that. Okay. But if you are forcing me that. We are not forcing. We are asking to. Man, we are
are talking. Please talk in Kannada. It's forcing. No. Please talk in Kannada. It's forcing. You are forcing when you say you have to learn Kannada. Yes, ma'am. I didn't say that word starting. In this video. Okay. Do not make any sense. Okay. You said that. Okay. After 100 years also, you cannot able to speak Kannada. When I like. It is my choice. Okay. You don't talk Kannada, sir. Again and again, I am telling. Please learn Kannada. We are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Kannada is not India. No, we are Kannadigas. You can't.